अभी मौजूद हूँ बिहार झारखंड के बॉर्डर पर। कल ही रात में देख रहे हैं पे कुछ गढ़वा जिला का 18 लोग इसमें डूब गए थे और 22 अधिक बिहार के लोग इसमें डूबे हुए थे। यहाँ पे जुड़ेंगे, बात करेंगे, यहाँ पे कहाँ बात तक कैसे घटना घटी बात करेंगे जी। यहाँ पे कल यहाँ पे जो 18 गढ़वा जिला का 18 लोग थे और कौन गाँव है ग्राम लोहरगढ़ा के ग्राम लोहरगढ़ा और झारखंड के ग्राम लोहरगढ़ा प्रखंड के तार थाना भवनाथपुर के निवासी और उस पार नौहट्टा थाना के कुछ लोग चौधरी लोग बिहार के उन लोग डीला पर रहते हैं और अपना वहीं खेतीबाड़ी करते हैं। उन लोग बारह मास वहाँ रहते थे। अचानक इस सोन नदी में बाढ़ आने से सब लोग बीच में घिरा गए थे। एक प्रशासन द्वारा कुछ व्यवस्था हुआ, पटना से स्टीमर आया तो उन लोग 6 बजे निकाले गए। 6 बजे बाद आज 6 बजे में लोग निकाले गए। कोई बड़ा घटना नहीं? नहीं, बड़ा घटना नहीं हुआ। इसमें आए थे आपको इंस्पेक्टर आए थे अभी तो बह आ गया है तो उसको भाई गुमनाम है, उसको तो क्लियर है नहीं कि हाँ वो भूलिए गया। अब भैंस ऐसे बहे के चीज़ों निकल आपका SDO आए थे और ये इंस्पेक्टर आए थे, थाना के लोग आए थे और बहुत से इलाके के गणमान लोग DC भी आए थे, सभी लोग आए थे। बचाव राहत कार्य हुआ, उसमें सभी लोग मैंने सुरक्षित निकाल दिए। और जो ये बरसात खूब इतना बरसा हुई किसान के लिए क्या है? मैंने किसान का तो उस तरह का कोई नुकसान यहाँ नहीं है। किसान की बरसा जो हुआ किसान का तो बहुत बढ़िया हुआ कि हम लोग भी इसके लिए जो रहे थे कि मैंने कब पानी गिरेगा कि हमने धान शान रोपाई, लेकिन उतना मैंने जितना अधिक पानी का मात पर गिरा जिससे इसमें बाढ़ आया उतना पानी हम लोग के पास नहीं है, इससे कम पानी बहुत ज़्यादा है। इसमें बिहार झारखंड के बॉर्डर पर है और उसमें कुछ लोग यहाँ रात्रि में डूब गए थे। उसमें बताया कितना बताइए। देखिए उसमें तो प्रशासन का चाहे अधिकारी का परेशानी बढ़वे किया इसमें। अब भाई उन लोग वहाँ रहबे करता है, खेती गृहस्थी करवे करता है, वहीं से जी का जीवन है ही है, तो आखिर क्या करेगा। अब बीच में एक पानी आ गया तो दबा गया चारों तरफ से, तो उसमें सरकारी अधिकारी लोग आए, अपना स्टीमर का व्यवस्था किए, उन लोग को निकाले। आज 6 बजे सुबह बाहर निकल गया सर? हाँ निकल गया सर। हाँ सुरक्षित निकल गया? सुरक्षित निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हताहत नहीं हुआ है। आज रात्रि में कुछ लोग 18 गढ़वा जिला के 18 लोग यहाँ पे डूब गए थे। अब बिहार के लोग भी 22 अधिक डूब गए थे, लेकिन सुरक्षित यहाँ पे निकाल दिया गया। कोई ऐसा कोई दिक्कत कोई बड़ा घटना नहीं घटा। 22 को गढ़वा पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा शुद्धता की गारंटी। प्रॉपर राइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।